तावद भयम् दविन देह सुहित निमित्तम् शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्चलो वः तावद् मम इति असदवग्रहवार्तिमूलम् जावन्नाति अंघ्रिम भयम् प्रवृणीते लोकः तावद् भयम् दविन देह सुहित निमित्तम् शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्चलो वः तावद् मम इति असदवग्रहवार्तिमूलम् जावन्नाति अंघ्रिम भयम् प्रवृणीते लोकः गौरी गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए भगवान हम लोगों का सामने हम लोगों का पास कुछ नहीं मांगते। गौड़ीय गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु जी ने बताए भगवान हम लोगों का सामने हम लोगों का पास कुछ नहीं मांगते, केवल सबमिशन शरणागति। भगवत अनुशीलन ना करने के कारण जितना सारे मुसीबत तमाम दुनिया संसार में उलझे हुए हैं। संसार किसको बोला जाता है? तमाम दुनिया का जितना सारे समस्या है, समस्या को एक जगह इकट्ठा कर दो उसी को संसार बोला जाता है। जितना तमाम समस्या है दुनिया का एक जगह रख दो इसी को संसार बोला जाता है। फिर भी संसार से छुटकारा है नहीं, संसार से हम लोग छुट्टी नहीं मांगते। हम लोग इतना बुद्धिमान बड़ा बुद्धिमान है हम लोग। भगवान श्री कृष्ण जी को उद्धव जी महाराज पूछते हैं ठाकुर जी कौन बुद्धिमान है, वास्तव बुद्धिमान कौन है? दुनिया का सारे आदमी कहे हम बुद्धिमान है, वो कहे हम बुद्धिमान, सारे आदमी बुद्धिमान है। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं यस दे आर ऑल इंटेलिजेंट बट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेशन, अपना अपना हिसाब के मुताबिक सारे आदमी अपने को बुद्धिमान समझते हैं। सारे आदमी वो बोका है हम बुद्धिमान है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि एषाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अनृते नेह मर्ते न अपनति अमृतम। ठाकुर जी बताए कि हाँ वो बुद्धिमान है, बुद्धिमानों में वो सच्चा बुद्धिमान है जो ये दो दिन का जिंदगी प्राप्त करके वास्तव अमृतों को प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। ईशाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम, मनीषा विचार शक्ति में सबसे बड़ा मनीष मनीषीनम बोलिए ईशाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जब सत्यम अनृते ने हो, ये दो दिन का जिंदगी प्राप्त करके अनृत्य न हो मरते न अपनति अनृत, मरणशील व्यक्ति वास्तव अमृत को प्राप्ति करने के लिए जो प्रचेष्टा में लगे हुए हैं वो वास्तव बुद्धिमान। और दशम स्कंद में पहले हम बता दिए उस दिन अमृतो वास्तविक भक्ति को ही अमृत बोला जाता है। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बताए मई भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते, हमारा पति जो जीवों का जो भक्ति है वास्तव यही अमृत है। और सागर संगम में त्रिवेणी संगम में जहां जहां तुम्हारा कुंभ मेला लगती है वहाँ अमृत है, लेकिन वो अमृत वास्तव अमृत नहीं है।
वो आपको अनंत नित्य जगत का संधान नहीं दे सकता, दे सकते। भगवान कुछ नहीं मांगते हम लोगों के सामने पास, केवल सबमिशन, आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन होने के बाद ही जीव वास्तविक रूप से सुखी बनते हैं। वास्तविक रूप से जीव आत्मनिवेदन होने के बाद ही जीव सुखी। क्यों? आत्मनिवेदन का बाद बच्चा जैसा मैया का गोदी में खेलते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं है, मासूम बच्चा। जाओ ठाकुर जी के चरण में, वास्तविक शरणागति सिद्ध हो जाए, तब आदमी कोई भी वास्तव सुखी बनते। कीर्तन में इसलिए शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने कीर्तन में लिख दिए, आत्मनिवेदन तुवा पदे कोरी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो चौदी का आनंद हरी। बड़ा सुंदर कीर्तन, ठाकुर कोई कीर्तन नहीं करते, ये सब कीर्तन करना चाहिए महाजनों का अनुगत में। आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी, भक्तिमय ठाकुर कहते हैं कि आत्मनिवेदन ठाकुर जी तुम्हारे चरण में करने के बाद आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी हईनु परम सुखी, सुखी नहीं एब्सोल्यूट ब्लिस, परम सुखी। क्यों? बोले दुखो ना रोहिलो, कोई दुख नहीं है, दुखो ना रोहिलो चिंता दूरे गल, जितना सारे टेंशन सारे खत्म, दुखो दूरे गलो चिंता ना रोहिलो आ चौदी के आनंद हरी मने ऑल अराउंड आई एम गोइंग टू डिस्कवर ट्रांसेंडेंटल पीसफुल सिचुएशन। चारों ओर आनंद आनंद, कहां दुख है कहां बीमारी है कुछ नहीं है, चारों ओर आनंद, क्योंकि अमृत आनंददायक है। जड़ जगत का सेवा करने से, माया देवी का सेवा करने से कोई सुविधा नहीं होगी, माया देवी का सेवा करने से कोई सुविधा नहीं होगी। भगवत अनुशूलन अधक्षज वस्तु, अप्राकृत अधक्षज वस्तु का भजन होनी चाहिए। और अगर हमारा पास सामर्थ्य नहीं है फिजिकली, ये सब कुछ ये तो ऐसे, तो भजन में सबसे बड़ा जरूरी चीज है हृदय, हार्ट। हर वक्त ये बात को याद होनी, याद रखना चाहिए कि बिना भजन एक एक पल हमारा खराब होते जा रहा है। भजन में जो समय हमने दिया वो नित्य जगत का खाता में जाती है। प्राण अचेजार सेतु प्रचार, जब हमारा पास भक्ति आ जाए सफिशियंट, गुरुवर्गो से पावर आ जाए, तब प्रचार का बात तो बाद है। ये भी गीता का प्रवचन भी एक किस्म का प्रचार ही है, अर्जुनों को सामने खड़ा करके और ठाकुर जी जितना सारे प्रवचन किए गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये बड़ा भारी प्रचार है नित्य जगत का। इस जगत में शोक मोह भय घृणा दुश्मनी वो है ही है, ये सब दस्युओं से, ये सब मक्कारों से, बदमाशों से छुटकारा है नहीं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव महासन महापापना विद्धि न मेन वैरिण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, असली दुश्मन, इसको खत्म करो। विद्धि न मेनम वैरिण, जीवन जिंदगी में शोक मोह भय घृणा दुश्मनी ये है ही है, इससे कोई छुटकारा है नहीं।
इसलिए नित्य जगत में जाने के लिए, नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए, वास्तव शरणागत होकर गुरु वैष्णव के चरण में और नित्य जगत में जाना है, नित्य सेवा को प्राप्त करना है। जो गीता का प्रवचन गीतामृत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पिलाए, गीता ठाकुर जी के साक्षात पद्मनाभ भगवान का मुख निश्रित वाणी है, इसका ऊपर हजारों टिप्पणी है। कितना टिप्पणी है, टीका है, कमेंट्री है, आज हमको पता नहीं। आज से 20-25 साल पहले थोड़ा उसका आंकड़े को पता था, आज हमको पता नहीं कि कितना है, कितना भाषा में अनुदित और कृष्णा भाषा में उसका कमेंट्री लिखा हुआ है। एक एक जगह से, एक एक संस्था से, एक एक व्यक्ति से अलग अलग किस्म का कमेंट्री है। शंकराचार्य भी कमेंट्री की, जड़ जगत का जो राधा कृष्णन वो भी, और जड़ पॉलिटिकल लीडर महात्मा जी सब, गांधी सब, पटेल जी, तमाम दुनिया का आदमी इसका टीका टिप्पणी बनाने में जुटे हुए हैं। किसी को पता नहीं कि ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं, ये तो ठाकुर जी को ही मालूम है, और ठाकुर जी का जो अपना आदमी है उसको पता है। जो जिसका जो जितना ठाकुर जी का करीबन पहुंचे, ठाकुर जी का अपना आदमी है, वो ठाकुर जी का भाव जो है गीता में क्या कहना चाहा, ये तो ठाकुर जी कह सकते हैं, बाकी आम आदमी कैसे कह दे, संभव नहीं है। कोई अगर किसी व्यक्ति का बारे में पूरा जानकारी लेना चाहे, कोई अगर केस है, इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें वो आदमी क्या करे, पहले ही वो जो लोकेलिटी में है वो जगह वहां जाके अड्डा जमाएगा, चाय का दुकान भी ये सब, धीरे धीरे उसका साथ किसका जानकारी है, दोस्त है, क्या है थोड़ा, उसका बाद और धीरे धीरे उसका और अपना आदमी कौन है, उसका बाद भाई बंधु, उसका बाद पत्नी, पिता माता, सब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चल रहा। जो वो व्यक्ति का अंतर का सारे बात पता है, वो तो पत्नी अगर उल्टा सीधा ना हो तो यूजुअली यही होती, पत्नी को सारी चीज पता होनी चाहिए। ऐसा करके व्याख्या करे तो गीता का हजारों टिप्पणी टीका हो सकता, लेकिन ठाकुर जी का जो अपना आदमी है गौड़ीय वैष्णव समाज में, विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, इससे बढ़कर ठाकुर जी का हृदय अंतःकरण को जानना संभव नहीं। इससे बढ़कर सबसे ज्यादा जानकारी इन लोगों को ही होनी चाहिए, इससे बढ़कर नहीं। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी गीता का जो भाष्य रचना करने का प्रयत्न की, उसका उससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक लेखनी अर्थात एक कविता लिखे, श्री अद्वैत प्रभु हम गीता रत्न महाजन तार पदे साष्टांग प्रणाम, ए दासेरे कृपा करी मस्तके चरण धरी शक्ति दाने पूर्ण करुण काम। हम ज्यादा नहीं पाठ किए, इतना ही। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गीता का महाजन है साक्षात अद्वैत गोसाई, आपको शायद मालूम होगा, मालूम है
चैतन्य भागवत पाठ किए होंगे आप, वहां देखे होंगे कि अद्वैत गोसाई दिन भर गीता पाठ करते रहते और महाप्रभु का बड़े भाई वहां और सारे बाकी शिवा से जितना सारे भक्तबिंद है अद्वैत गोसाई के आसपास बैठ के गीता का अर्थ विचार करते थे। ये अद्वैत गोसाई का किसी दिन अद्वैत गोसाई किसी श्लोक का पक्का अर्थ सामने नहीं आ रहा है, इसलिए अद्वैत गोसाई जी ने अद्वैत गोसाई कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो महाविष्णु जगत कर्ता मयाया जो सृजति अधा तस्सावतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर एव अयम, निश्चित रूप से वही अद्वैत गोसाई जो महाविष्णु जगत कर्ता इसके अवतार है। फिर भी लीला करके दिखाए, गीता का कोई विशेष श्लोक का अर्थ समझ नहीं आ रहा है पक्का। अद्वैत गोसाई जी ने जल अन्न प्रसाद सब वर्जन की करके ठाकुर जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका क्या माने है, पक्का माने क्या है। तो ठाकुर जी आके सपने बता दिए, उठो इसका माने ये है और प्रसाद आदि ग्रहण करो। कहने का मतलब है अद्वैत गोसाई साक्षात महाविष्णु अवतार, फिर भी लीला करके दिखाएं कि गीता का एक एक शब्दों क्या क्या अर्थ होनी चाहिए ये ठाकुर जी को साक्षात पता है। और ठाकुर जी अद्वैत गोसाई इच्छा करके लीला करके ऐसे दिखाए कि बाहरी किसी आदमी को बुद्धि लगाकर ताकत लगाकर इसका माने उसका जो अर्थ है उसको समझना संभव नहीं है। और भगवान का अपना निजी जन अपना आदमी जो है जैसे प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर जी जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि इन लोगों का सामने गीता का अर्थ प्रकाशित हो सकता, बाकी साधारण आदमी के सामने संभव नहीं है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत सारे चीज को बताए और श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत में मैं दो शब्दों कहना चाहूं पहले, उसका बाद तो शुरुआत होने जा रहा है। निगम शास्त्र आगम निगम जो है आगम और निगम, निगम मतलब कृष्ण जी तो चतुर्मुख होकर जो आ और संकर्षण होके चतुर्सन आदि होके जो आ रहे हैं, कृष्ण ऐसे चतुर्मुख आदि जो निगम और आगम दोनों में एक ही अर्थ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर भी निगम शास्त्र अत्यंत विपुल विशाल आकार अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, ये शब्द शास्त्रों का कौन सी जाएगा धर्म को, कौन सी जाएगा कर्म को, कौन सी जाएगा संख योग को, किसी जगह में भक्ति योग को विस्तृत रूप से उपदेश करने का प्रयत्न बनाया गया और अलग अलग किस्म का एक एक करके व्याख्या। और धर्म बोलते तो साक्षात हम लोग समझेंगे कि भागवत धर्म और दूसरा धर्म तो नहीं, तो धर्म किसी अंश में धर्म हो, किसी अंश में कर्म हो, किसी अंश में संख योग, किसी अंश में भक्ति योग, अलग अलग किस्म का उपदेश बनाया गया। ये सब अलग अलग व्यवस्था का अंदर में इंटर रिलेशन आंतरिक संबंधों क्या है, गुप्त संबंधों और किस लिए अलग अलग किया गया। अगर धर्म एक है तो एक ही चीज बता दो, इतना बोलने से कन्फ्यूजन आ जाए, नहीं। तमाम दुनिया में इतना सारे जीव, जीवों में मनुष्य जाति तो है और एक एक आदमी का एक एक विचार है, एक एक संस्कार है,
सब संस्कार एक नहीं है, और संस्कार के मुताबिक अनुसार उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल, उसका जो चिंता शक्ति अलग अलग किस्म को होती है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए कि क्रम मार्ग धीरे धीरे दुनिया में धर्म रूप में बहुत सारे चीज है, किसी का निंदा करना नहीं चाहिए, धर्म का नाम पे बहुत सारे चीज चल रहा है। जत जगते यत कथा धर्म न छले भागवत कहे ता परिपूर्ण छले। ये जगत में धर्म का नाम से तरह तरह का विचार बना के रख दिया गया। एक एक संस्कार का अनुसार अपना अपना हिसाब से उसको अपनाएगा, लेकिन अल्टीमेटली भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कॉन्शियसनेस को बढ़ाते बढ़ाते अंतिम समय में ये भागवत धर्म जो आत्म धर्म जो है, नित्य धर्म वैष्णव धर्म जो है, भागवत धर्म इसी का ओर पहुंचना है। इफ नॉट टुडे, आज अगर नहीं पहुंचना चाहे तो कल तो जाना ही पड़ेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। ग्रेजुअल प्रमोशन के लिए धीरे 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 तरक्की करते करते जीव उस तक पहुंचे, लेकिन विपुल शास्त्र अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, इतना शास्त्र को कौन पढ़ने जाए महाराज, समझे कैसे। कलिकाल का जो स्वल्पायु, कलिकाल का जीवों का स्वल्प आयु, स्वल्प मेधा, संकीर्ण मेधायुक्त कलिकाल का जीवों का भाव कुछ और है, पेशेंस तो बिल्कुल है ही नहीं, विचार भी बहुत कम, कुछ नहीं, मेटेरियल विचार से भी क्या होने वाला। धीरे धीरे तमाम शास्त्रों का विचार करके फाइनल चीज क्या है, फाइनल चीज क्या है, इस तक पहुंचना कलिकाल का वध जीवों के लिए असंभव है। इसलिए तमाम शास्त्रों का एक संक्षिप्त सार, एक तो सारग्राही सरल साइंटिफिक विज्ञान भित्तिक मीमांसा होना जरूरी है, कौन बताएगा। इसीलिए ठाकुर जी अपना आदमी को, अपना भक्त, अपना जो पार्षदों को भेजा। सर्व गोस्वामी का बारे में ऐसा आप पाठ करते हो डेली, शायद आप डेली पाठ करते हो, नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हित करिनोति भुवने मान्यो शरण्या करु, पाठ करती हो ना। तो इसमें तमाम शास्त्रों का जो निचोर है, सार क्या है, वो तमाम शास्त्रों को हम पढ़ने जाए तो पागल बन जाएंगे, तो संभव नहीं। नाना शास्त्र विचार नहीं करनी पुनो सद्धर्म संस्थापको, तमाम शास्त्रों का विचार करके सद्धर्म अर्थात भगवत धर्मों का विचार को प्रस्तुत किए गए स्वामी लोगों ने, इसी को गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हमको देखना है। गोस्वामी लोगों का ग्रंथ तो हम पाठ करने जाए वो भी समझेगा ना, तो भक्तिविनोद ठाकुर का सहारा ले ले पौपाल गुरुवारों का थोड़ा समाधान हो सकता। तो इसका एक फाइनल क्या है, विज्ञान भित्तिक साइंटिफिक मीमांसा होनी चाहिए, क्योंकि तमाम शास्त्र में किसी जगह कर्मों को, किसी जगह योग को, किसी जगह सांख्य ज्ञान को, किसी जगह तर्क को, लॉजिक, क्यों क्यों कोई कोई आदमी अभेद ब्रह्मवाद को एकमात्र ग्राह्य मत बोल के सिद्धांतों रख दिया। इसमें क्या हुआ, ये भारत भूमि में है, ऐसे तो भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि है, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टिवेशन,
Those sages, after long deliberation, have given us immense treasure of spiritual knowledge. Who is going to accept? We are so idiot, so foolish. ये भारत भूमि में जितना सारे तरह तरह का विचार मिलता है, ये एक एक किसिम का विचार एक एक शास्त्र में मुनि ऋषियों ने बता दिया। नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वम् निहितो गुहायम् महायोनो येनो गतो स्वपन्था। इसी में समाधान होगी। और ये जो खंड ज्ञान, ऐसा तो ज्ञान अखंड वस्तु है, ज्ञान वास्तविक रूप से अखंड अद्वैत तत्व ज्ञान, लेकिन ये खंडित हो जाते हैं अपना अपना विचार लगा के मुनि ऋषि ये सब इधर उधर से सारे विचार को खंडित खंडित टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक इसका अंदर में एक दूसरे का राज कोई सिमिट्री नहीं, असंपूर्ण असमंजस्य लगता है बाहरी दृष्टि में। जैसे कि उल्टा सीधा खाना खा लिया, भाजा पूड़ी दाल पूड़ी सब कुछ खा लिया, दही खा लिया मिठाई, उसका बाद पाकिस्तानी में जाकर अभी वो उदम मचा रहा है गैस्ट्रिक का, वो हजम नहीं हो रहा है, एसिमिलेशन तो दूर की बात है, ऐसा मापिक हो गया। भारत भूमि ये खंडित खंडित ज्ञान समूहों ये इंडाइजेशन का मापिक सारे उत्पात मचाने लग गए। ये उत्पात जो है अलग अलग मतवाद का इज्म का यो ये प्रखर रूप से प्रकट भये। जब कली का प्रारंभ तो उस टाइम पे ये बड़ा हंगामा मचा है। देन ठाकुर जी ने तब ठाकुर जी ने ये सत्य प्रतिज्ञ परम कारणिक भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक विचार बनाए तो ठीक है चलो कलिकाल में ये इस कलिकाल में भगवान ठाकुर जी आए अर्जुन सखा को लेकर और अर्जुन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दी गई जहां से अर्जुन एक एक करके प्रश्नों डाउट संशय संदेह भगवान श्री कृष्ण के सामने पेश करे। उसका मुताबिक हमारा पूरा गीता का गीता का उपदेश जो है गीतोपनिषद ये हमारा सामने आ गया। तमाम शास्त्रों का जो विचार है वो विचार करके आप सिद्धांत पर सही विचार पर आपको उतार के आना बहुत मुश्किल। इसलिए सर्व वेदांतो सार वेदस्य सर्वे रहमेव विद्य सर्व वेद सारार्थ मीमांसा रूप श्रीमद भगवद गीता शास्त्र को ठाकुर जी प्रकाश किए। ये महाभारत का अंदर का एक हिस्सा है, फिर भी इसका परिपूर्ण एब्सोल्यूट समाधान श्रीमद भागवत जी महापुराण में ही बताया गया, काल विचार करके दिखाया। गीता शास्त्र तमाम उपनिषद जो है इसका शिरभूषण, उपनिषद तो उपनिषद है ही, गीता भी उपनिषद है, गीता उपनिषद तमाम उपनिषद वेदांतो वेद अलग अलग जाएगा एक अलग अलग विचार, लेकिन फाइनल आउटकम जो है वो बद्ध जीव के लिए समझना संभव नहीं। और भिन्न भिन्न अवस्था जो दिया गया उसका इंटर रिलेशन क्या है उसको हार्मोनाइज करके परफेक्ट जो लक्ष्य है जीवों को पहुंचना है। शुरुआत में ही मैंने उस श्लोक को बता दिया, तावद भयम द्रविण देह सुहित निमित्तम
तावत शोक स्पृहा परिभवो विपुलस चलोवह, ये श्लोक बता दिया। जब तक ठाकुर जी के चरण में शरणापत्ति सिद्ध नहीं हुई तब तक ये सारे शोक मोह भय भय संशय विद्वेष ये सब आते रहेगा, ये सब का कोई समाधान है नहीं। तावत भयम द्रविण देह सुहित निमित्त, द्रविण मतलब रुपया पैसा संपत्ति, तावत भयम द्रविण देह अपना शरीर सुहित निमित्त, अपना लड़का अपना माता अपना पिता अपना जायदाद सब सुहित निमित्तम, शोक हो स्पृहा परिभवो, जब तक शोक रहे, शोक मतलब अज्ञान, शोक मतलब अज्ञान अंधेरा, शोक स्पृहा लोभ, शोक स्पृहा परिभव, स्पृहा मतलब आकांक्षा, इसी को प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए हमको ये चाहिए वो चाहिए, आकांक्षा अंदर में असंतुष्टि, हर वक्त बेचैनी बने रहते हैं जीवों के अंदर में। शोक स्पृहा परिभवो, अरे परिभवो मतलब तो माने टू गेट डिफिएटेड, पराजित हो जाना, ऐसा क्यों बताया मार? बोले महाराज जब तक शोक रहे लोभ रहे मदोमाश्चर्य सब रहे तब तक यू आर डिफिएटेड इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, ये कभी समझा नहीं, ये समझने का कोशिश हमने कभी नहीं की। अगर साधु का संतों का बेस लेकर भी सन्यासी आचार्य किसी भी बेस लेकर दूसरों का तरक्की पर एक जेलसी मास्टर जो तो मतलब ये पराजित है। काल विचार प्रस्तुत किया दिखाया ना, जो ना अंग्रेजी कथा में बताया था याद आया, प्राकृत कामदेव जी महाराज कहते हैं कि हम शंकर को भी पराजित किए, शंकर को कैसे पराजित किए, वो तो कामजयी है मृत्युंजयी है, शंकर तो आपको जला के खाक कर दिया था याद नहीं है? बोले याद तो है, शंकर ने मेरे को जलाया और इसलिए मेरा डबल तरक्की हो गया। बोले कैसा? बोले अब तो मैं अनंग बन गया, अब मेरा शरीर नहीं है, अदृश्य हूँ, जहाँ जैसे चले जा, कोई पासपोर्ट वीसा का जरूरी है नहीं, खुला छुटकारा मिल गया, अच्छा किया शंकर, और आपको जला दिया तो ये तो आपका पराजित है। बोला हाँ हमारा पराजित है ही है, लेकिन शंकर का भी पराजित जरूर है। और कैसे? बोले शंकर को जब हम काम बान का काम बान चलाए शंकर का ऊपर, तो शंकर का जो तपस्या है जो भजन है वो टूट गया था, और उसने बाद देखा मेरा और गुस्सा हुआ, तो मतलब जब हमारे ऊपर गुस्सा हुआ हमको जलाने का कोशिश, उसका मतलब वो पराजित तो है ही है, तो सिर्फ हम पराजित नहीं हुए तो शंकर भी द्वारा पराजित है। ये काम क्रोधों का दस दास दासत्व करना ये उल्लू का काम है, जन्म भर अनंत काल काम क्रोध लोभ मोह इसका अनुगत्य करते आए हैं, इसे कोई छुटकारा है नहीं, ये करते आए और ये टेस्टी है, इसी का ही अच्छा लगता है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, चोरबित चरवानान नौते विदु स्वास्थ्य गतिम ही विष्णु दूरा सयाजे बहिरर्थमा, ये लोग किसी पता ही नहीं है, भागवत धर्म का जो गुप्त रहस्य है इसका बारे में कोई पता ही नहीं है। और जो आनंद लेना चाहता है वो लोग इस जड़ आनंद मेटेरियल आनंद, भजन का आनंद अगर किसी का पास वास्तविक रूप से प्राप्त है, सुखम अस्थि विरक्त सम मुने रेखांत जीविना, उस दिन बताया था दो दिन पहले, सुख तो है ही है, सायन शांति है, बेचैनी बिल्कुल नहीं है, किसका सामने? बोले सुखम अस्थि विरक्तस्य, जो जड़ जगत का
मेटेरियल विषय में जिसका कोई लगन नहीं है, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन, जो मौनी रहते हैं। मौनी मतलब, मौनी मतलब केवल ठाकुर जी का कथा, ठाकुर जी का कीर्तन, बस इसको छोड़ के दुनियादारी का कोई बात में कोई लगन नहीं है, इच्छा नहीं, इसको मौनी बोला है। मौनी मतलब ये नहीं तो बातचीत बंद करके बैठ गया। पापा जी कहते हैं तुम्हारा मौन रहने का कैसा हिम्मत है, तुम्हारा मौनी रहने का, मौनी बाबा होने का क्या हिम्मत है, क्योंकि तुम्हारा अंदर में जितना सारे शब्द है, मेटेरियल शब्द, प्राकृत शब्द, और भूट भाट जैसे गैस्ट्रिक का माप हो रहा है, फूटता है, उबालता है अंदर में, और तुम कैसे मौनी करोगे। बाहरी दृष्टि में आप शब्दों का बहिर्गमन, शब्दों का जो बहिर्गमन का पथ है उसको लॉकिंग करके अंदर में इंडाइजेशन है, तो भूट भाट करते रहेगा, फिर लूज मोशन हो जाएगा, क्या फायदा है। तो शब्दों का सही ढंग से प्रयोग होनी चाहिए। हमारा वाक शक्ति का, ठाकुर जी का हरि कथा कीर्तन में अगर प्रयोग होए, इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। वाच वेगम, मनसह, क्रोध वेगम, उदरवस्त वेगम, ये सब जो है तमाम विचार अगर आप सुनोगे हैरान हो जाओगे, इतना गहरा विचार है सब में। सस्ता नहीं उतना, इतना सस्ता नहीं, बहुत गंभीर विचार है इसमें। आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, महाराज कितना सुंदर विचार है, अरे हम सोचा ही नहीं कभी। तो शब्दों का जो बहिर्गमन का पथ है उसको बंद करके कोई फायदा नहीं, तो इसलिए सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन। मुने मतलब मुने बहुवचन, मुनि मुने। मुने एकांत जीवन, तो मुनि गणों का ये जो मुनि मुनि मुनयो, मुनि मुनि मुनिन, मुनिना मुनि भ मुनि भी, ये सब है संस्कृत में। तो ये जो सप्तमी विभक्ति है शायद, ये जो मौनो मतलब ठाकुर जी का कथा छोड़कर कोई दूसरा शब्दों का प्रयोग नहीं करती, ये मन, ये लोगों का लिए जिंदगी में आनंद है, शांति है, ये लोगों का लिए शांति है, क्योंकि वो कुछ नहीं करना, जो शरणागत होकर ठाकुर जी का, बस हमारा वेदांतों का विचार आता है इसमें, शब्द ब्रह्मो भगवान, शब्द ब्रह्म का रूप में अवतीर्ण होता है। तो जीवो जो है मामई वंश जीवो लोग जीवो तो सनातन, जीवो जीव भी सही विचार किया जाए ढंग से वेदांतों का विचार के अनुसार, सारे जीव अनुशब्द है, वाइब्रेशन करते रहते हैं, और ठाकुर जी का ही हर वक्त नाम, हर वक्त ठाकुर जी का नाम करते रहो, ये जीवों का काम है। बोईरागी करे सदा नाम संकीर्तन, जगदानंद पंडित जी ने बताए, बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन, जो वैराग्य को अपनाया रेनेंस ऑर्डर में, तमाम भोगों का चीजों से लगन उठा लिया, तमाम दुनिया का जितना सारी चीज है सारे ठाकुर जी का सेवा को उपकरण, ऑल आर द आइटम्स ऑफ कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा के लिए एक एक आइटम है, तमाम व्यक्ति वस्तु कुछ भी है, बीवी बच्चा कुछ भी है, सारे ठाकुर जी का सेवा का एक एक उपकरण है। इसको अपना भोगने का चीज सोचो तो इसी में बंधन है, कर्तापन। नाम संकीर्तनम जस्सो सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तं नमामि हरिम परम। भागवत जी 18,000 श्लोकों का अंतिम में, जब भागवत जी महापुराण का समाप्ति घोषणा का टाइम,
अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्यो, देखो फाइनल डिसीजन, किसी ने ध्यान नहीं देते सब बातों को। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम, तंग नमामि हरिम परम दुख शमनम। दुख समानम मन तमाम दुखों का समाधान सल्यूशन हो जाए। दुख समानम, समानम मैंने प्रशांति को प्राप्त करेगा, कोई बर्निंग जलन नहीं रहेगा, पूरा प्रशांति। प्रणामो दुख सम, प्रणामो दुख समानम, तमाम दुखों का समाधान ये हरि प्रणामामी हरिम परम नाम संकीर्तनम जस्व, यही काम है। विचार करके देखा कि दुनिया में हजारों हजारों गीता का प्रवचन, गीता का टीका टिप्पणी कमेंट्री हो सकता, बेमतलब हमारे साथ ये, हमारा पास एकमात्र लक्ष्य है जे हमारा गुरुवर्ग जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या बताया, क्योंकि वो अंदर का आदमी है, ठाकुर जी का अंदर का अपना खास महल का आदमी है, तो ठाकुर जी का अंतकरण में क्या उद्देश्य है। गौड़ीय मठ का ये विशेष है, ये तमाम दुनिया का जितना शास्त्र है, यहां तक कि गोस्वामी गोस्वामी लोगों का भी ग्रंथ है, तमाम ग्रंथों का विचार करके भगवान का निजी जन शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जैसा सरल समाधान देने का प्रयत्न किए, आज तक धरती में ऐसा किसी संत महात्मा को हम देखा नहीं। हो सके बड़ा बड़ा संत रामानुजी जय जो माध्य सारे आए, लेकिन सारे एकदम सरल समाधान, एकदम इतना सीधा साधा विचार शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उपस्थापन किए। इसलिए हम लोग अपने को लाकी सौभाग्यवान मानते। अगर ये प्रश्न किया जाए, हमारा हर शास्त्रों में हमने एक एक पुराण पाठ किया, वहां देखा ये शिव जी महाराज जी फाइनल है, ये सब लिखा हुआ है, यही चरम, इससे ऊपर कोई नहीं है। राजसिक शास्त्र में ब्रह्मा को पूरा ऊपर ऐसा, और किसी किसी जगह विचार में देखा, किसी जगह ज्ञान को, किसी जगह कर्मों को, किसी जगह ज्ञान को, ये शंख योग को, पूरा फाइनल, इट्स फाइनल, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ऐसा जो लिखा हुआ है, क्या वो लोग गलती लिखा, ऐसा कैसे विचार हुआ। वेदव्यास जी तमाम उपनिषद पुराण वेदांत तो सारे रस एक एक जगह ऐसा क्यों व्यवस्था दी। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो जैसा रैंक, जो जिस रैंक का आदमी है, उसका पहला संस्कार का मुताबिक, वो पहला संस्कार का मुताबिक उसी को वही शास्त्र अच्छा लगने लग जाएगा। ये यही शास्त्र अच्छा है, ये ठीक है, इसमें ठीक बताएगा, ऐसा लगेगा। बोले क्यों? बोले वो उसका जो संस्कार है, उसका जो रैंक है, उसका जो अधिकार है। प्रायः प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, जैसे से अधिकारी जो निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्त दोषः सधर्म निधनम से हो परधर्म भयावह, ये गीता। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे भगवत का श्लोक, से अधिकारी जो निष्ठा सधर्म निधनम से हो परधर्म भयावह। सधर्म मतलब अपना रैंक का अनुसार, अपना योग्यता का अनुसार जो आपका अधिकार है, उसी अधिकार को अपनाना है, उसी अधिकार का मुताबिक चलना है, अधिकार का अतिक्रमण करना ये बड़ा भारी दोषदायक है।
अधिकार का अतिक्रमण करना सबसे बड़ा दोषदायक है, बड़ा विपत्ति, क्योंकि अल्टीमेटली इसका सत्यानाश होने का चांस है। क्रमाधिकार में जो अधिकार को हम अंतिम में गुरु वैष्णव अनुगत में प्राप्त करने जा रहा है, फिर भी अच्छा है। अभी हमारा रैंक नीचा है, ठीक है, कोई ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो आएगा मेरा जमाना, कभी तो आएगा, कर्म मार्ग में समाधान जरूर है। जो जिस संस्कार के ऊपर भित्ति करकर, जो जिस संस्कार के ऊपर भित्ति करकर अपना जीवन जिंदगी गुजर रहा है, उसी संस्कार का मुताबिक वेदव्यास और मिनि ऋषि ने उसको उसी चीजों में निष्ठा को पक्का करने के लिए बोला, ये ठीक है, यही ठीक है, ये चरम व्यवस्था। क्योंकि अगर बोले इससे अच्छा चीज है, वो उसका अधिकार नहीं हुआ, उसको लात लगाकर बस ऊंचा अधिकार में जाने का प्रयत्न करे और सत्यानाश हो जाए। अपना 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 जो वर्तमान निष्ठा, वर्तमान जो स्थिति है, संस्कार है, इसी को पक्का करने के लिए, निष्ठा उत्पादन कराने के लिए उसी शास्त्र में, पुराण में, उसी व्यक्ति के लिए ये चरण व्यवस्था का रूप से लिखा गया। दैट डजंट मीन इट इज फाइन, क्योंकि अगर ना कहे तो वो अपना छलांग लगाए, छलांग लगाने से बस व्यवस्थांतर, अपना व्यवस्था में पक्का नहीं हुआ, वो व्यवस्थांतर को स्वीकार करने के लिए अमंगल को अपनाएगा। इसलिए कर्म शास्त्र में कर्म को, ज्ञान शास्त्र में ज्ञान को सर्वोत्तम, ऐसा ऐसा करके एक एक सेट, एक एक करके उपाधि सर्टिफिकेट दिया गया। इस तरह का कौशल, टेक्निक, ये ठाकुर जी का ही विचार है। इस प्रकार का जो टेक्निक है, जो कौशल है, इसको फॉलो करना, ये ठाकुर जी के लिए अच्छा हुआ कि नहीं, ये ठीक किया ठाकुर जी, ये क्वेश्चन अगर आए तो इसमें ये विचार आता है कि हाँ ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है नहीं है, ये विचार तो सर्वज्ञ भगवान, परात्पर अखिलेश्वर भगवान छोड़ के कोई नहीं जानता। हम अपना विचार को ठाकुर जी का गर्दान पर रखने का कोशिश करें तो उचित नहीं है। ठाकुर जी जो व्यवस्था दिए हैं उसको समझने का कोशिश करनी चाहिए और उसका साथ मेरा हृदय को हार्मोनाइज करना चाहिए। गुरु वैष्णव का जो, गुरु वैष्णव जो शास्त्रों का विचार प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा सामने, और उसका अनुगत्य के द्वारा टोटली हार्मोनाइज होनी चाहिए मेरा। गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय ते करिया ऐक्यो आर ना करियो मने आशा, दूसरा कोई आशा को त्याग देना चाहिए। गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय, गुरुमुख से मुक्स से पिघले हुए जो अमृतमय वाक्य है, इसमें आस्था ये होनी चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहते हैं कि देखो, जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र विचार में साधन काल में कर्म ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति को लिखा गया, जिस ग्रंथों में, जिस शास्त्रों में साधन अवस्था में कर्म ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति एवं फल काल में अल्टीमेटली निरुपाधिक प्रीति, निरुपाधिक भक्ति उपदेश किया गया, जीवों के लिए यह सर्वोत्तम है, ये सर्वोत्तम है, जीवों के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता पहला दिन हम बताया था, दूसरा दिन भी बताया था, ये तीनों को प्रस्थानोत्रयी,
तीनों को पोस्तानोत्रोयी कहा गया कि जो जीवों के लिए ये जगत से निकालकर नित्य जगत में जाने के लिए अर्थात मुक्ति प्राप्ति करने के लिए तीनों तीन रास्ता रास्ते हैं, ये तीनों रास्ते हैं, इसीलिए इसको प्रस्थानोत्रोयी बोला जाता है। सारी उपनिषद समूह ब्रह्मसूत्र भगवद गीता श्योरली वास्तविक रूप से शुद्ध भक्ति शास्त्र, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वतो भावेन इनो शुद्ध भक्ति शास्त्र, एवं समय एवं काल के अनुसार कभी कभी ये सब शास्त्रों में कर्म ज्ञान मुक्ति ब्रह्मलाभ इत्यादि विषयों का चर्चा देखा जाता है। तमाम शास्त्रों में जो उपनिषद वेदांतो जो कुछ भी है, तमाम शास्त्रों में अगर देखा जाए तो ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्मों ये पांचों चीजों को लेकर डीलिंग्स किया है, चाहे वो वेदांत हो उपनिषद हो गीता में भी पूरा विचार करके देखो तो इसमें ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्मों तमाम ये सब चीजों को लेके व्याख्या किया गया। लेकिन चरम विचार, चरम विचार के अनुसार, एब्सोल्यूट विचार के अनुसार तमाम शास्त्रों में अल्टीमेटली शुद्ध भक्ति छोड़कर उपदेश है नहीं, ये समझना संभव नहीं साधारण आदमी के लिए। बहुत सारे चीज बताया गया बट अल्टीमेटली जैसे सर्वम भट्टाचार्य जो ने परात्पर अखिलेश चैतन्य महाप्रभु का साथ तर्क उठाए नीलाचल धाम में, अरे ये बोला गया था कि क्या है ठाकुर जी का कोई हाथ पैर नहीं है कुछ नहीं अपान इपाद ये लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया हैं अपान इपाद लिखा हुआ है लेकिन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, भगवान का जो प्राकृत हस्तपद आदि निवारण के लिए ये बात बताया गया। अच्छा अपानिपाद जवन गृहीत्वा पश्यति अचक्षु श्रृणति अकर्ण, आंखें नहीं है तो सारे तमाम चीजों को देखते हैं, अच्छा आंखें नहीं है लेकिन तमाम चीजों को देखते हैं, साक्षी है तमाम चीजों का साक्षी है अनंत ब्रह्मांड में, सर्वद्रिक उपदृष्टा तंग भजनो निर्गुणो भवे, सर्वद्रिक उपदेश सारे चीज में तमाम चीजों को देखते रहते हैं नोटिस करते रहते हैं और साक्षी बन के बैठे हुए हैं। और कान नहीं है तो तमाम चीजों को सुनते हैं और कैसे है बोला हाँ अपानिपाद जवनो गृहीता, हाथ पैर नहीं है तो लेकिन दौड़ते हैं, अच्छा हाथ पैर नहीं है लेकिन दौड़ते हैं बहुत जोर से, अपानिपाद जवनो गृहीता और सारे वस्तुओं को ग्रहण करते दे 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 क्या प्रेम, अरे अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या पजच्छति, ठाकुर जी कह रहे पत्रम पुष्पम फल, अरे पत्ता फूल लेके क्या करोगे खाओगे क्या, बोला हाँ खा लेंगे, विश्वनाथ चतुर्थी में बताएं कि हाँ ठाकुर जी को अगर प्रेम के मारे कुछ दो ठाकुर जी तो अपने आप में खो जाते हैं कोई याद नहीं रहता है, केले का छिलका खा जाते हैं पागल का माँ भी फल फूल खा जाते हैं, पत्रम पुष्पम तयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रजच्छति तदहम अस्नामी
प्रयत्नात्मता बड़ा प्यार के साथ मैं खा जाता हूँ। जैसे विदुरानी जी केले का छिलके दिए, केले को फेंक दिए, खा लिया। जब विदुर जी फटका ले, क्या कर रही हो, छिलका दे रहो। ठाकुर जी को, ना तो मैं छिलका खाता हूं, ना तो मैं केला खाता हूं, मैं तो प्रेम खाता हूं। कभी कभी कोई कहता है गम खाता हूं, प्रेम खाओ। ठाकुर जी प्रेम खाते हैं तो ठीक है, तो किंतु चरम उपदेश, एब्सोल्यूट उपदेश शास्त्र में तो है, लेकिन चरम एब्सोल्यूट उसका जो अल्टीमेट आउटकम जो है उपदेश है, इसमें शुद्ध भक्ति छोड़ के कोई आउटकम है नहीं, कुछ नहीं है। वेदेश सर्वैरहमे विविद्ध, अरे वेद में भी ये बता रहा, तमाम वेद पढ़ के अगर हम हमारा जानकारी नहीं मिला तो फजूल है, बेकार है। गीता शास्त्रों का पाठ करने वाले को मिनिमम टू कैटेगरी में भाग किया जाए। एक है मोटा बुद्धि वाले, एक है मोटा बुद्धि वाले जो स्थूल बुद्धि, और दूसरा है सूक्ष्मदर्शी, फाइन दर्शन करने वाले। जो पाठक वृंद, जो पढ़ने वाले, गीता का पढ़ने वाले, गीता का जो गुता का जो शब्द है, वाक्यार्थ है, वर्ड टू वर्ड, इसका अर्थ लगाना चाहते हैं, ये है मोटा बुद्धि वाले, स्थूल बुद्धि वाले। सूक्ष्मदर्शी दर्शन वाले जो है, सूक्ष्मदर्शी पाठ करने वाले जो है, ये हर सर्वदा ये शास्त्रों में जो लिखा गया उसका तात्विक अर्थ, इनर मीनिंग क्या है, उसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म दर्शन करने वाले जो है गीता का पाठ करते, वो तात्विक अर्थ है, उसका तात्विक अर्थ क्या है। जो स्थूलदर्शी मोटा बुद्धि वाले, वो तो गीता पाठ करने का बाद यही सिद्धांत में पहुंचते हैं कि तमाम गीता मैंने पढ़ लिया, हमने देखा महाराज भगवान अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म में व्यवस्थित करने के लिए तमाम गीता को बताया, और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए मोटा बुद्धि वाले के लिए ठीक है, गाधे घोड़े के लिए तो यही ठीक है व्यवस्था। युद्ध रूप तमाम गीता को पाठ करके मोटा बुद्धि वाले, महाराज तमाम गीता को हम छानबीन करके पाठ कर लिया, उसके बाद देखा अर्जुन को युद्ध रूप क्षत्रिय धर्म में व्यवस्थित करने के लिए, अतएव वर्ण धर्म भी तो कर्म कर्माश्रय, ये जो उपदेश है ये गीता का फाइनल उपदेश है, वो ठीक है। ये वर्ण आश्रम इसका मुताबिक जो कर्म में लगाना जीवों को, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा, इसीलिए ये बताएगा। देखो वो तमाम गीता का ये अंतिम में बताया ना, क्या समझा तुमने, तुमने तमाम गीता जो हमने बताया तो समझा कि नहीं। अगर समझा तो क्या समझा, अगर समझा तो क्या समझा, भले करिष्य वचनम तब तब हमने समझ लिया और तुम्हारा जो बातें हैं हम माने, तुम्हारा बातें मानने के लिए तैयार बैठा हूं। नष्ट मोह स्थिर लब्ध्या तत्प्रसादात मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तब। और आम आदमी जो मोटा बुद्धि वाले समझे, तो ये तो लिखा हुआ महाराज अर्जुन भी तो यही कहा, हाँ यही तो कहा, और क्या है, ये और क्या है। इसको समझने के लिए तत्वज्ञानी पुरुष गुरु वैष्णव के सामने आना, पीछे मोड़ने से कोई फायदा नहीं।
सूक्ष्म विचार बुद्धि वाले जो है अर्थात वास्तविक जो भक्त लोग हैं, सूक्ष्म विचार वाले और कोई नहीं है, भक्त ही है। भक्त छोड़ के किसका सूक्ष्म बुद्धि है दिखाओ। इसीलिए तो पहले होता है ना, ईशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अमृत नेह मरते न अपने अमृतम। ये दो दिन का जिंदगी में प्राप्त कर कर वास्तव अमृत को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं वो पक्का बुद्धिमान। ईशा बुद्धिमतान बुद्धि मनीषा च मनीषी न, इसका मनीषा मनीषी गणों में इसका मनीषा सबसे ऊपर है। चिंतन शक्ति, विचार शक्ति, धी शक्ति सबसे ऊपर है, क्योंकि वो दो दिन का जिंदगी प्राप्त कर कर अमृतमय जो भक्ति है ये प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। वो वैष्णव चोर के कौन है? अर्थात सिद्धांत तो ये है, गुरु वैष्णव छोड़कर वास्तविक बुद्धिमान तमाम दुनिया में नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में गुरु विष्णु भी एकमात्र बुद्धिमान। हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं लेकिन वास्तविक रूप से हम बुद्धिमान नहीं है, गुरु वैष्णव बुद्धिमान है। ये जो सूक्ष्म दर्शी वाले वैष्णव जो है, ये जड़ सिद्धांत तो जो मोटे बुद्धि वाले जो लग दिया इसमें संतुष्ट हो नहीं पाते। ना ना ना, ये ठीक नहीं। ये लोग विचार करके समाधान पर आते आप पहुंचते हैं कि पराभक्ति ये गीता का अल्टीमेट उपदेश। पराभक्ति जो है यही गीता का अल्टीमेट उपदेश। सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं भज, ये जो बात है इसमें इसी भक्ति का ही तो बात बताएगा। और क्या हो सके कि भक्ति को बीच बीच का जो छह अध्याय है इसी में व्यवस्थित कर दी, हो सके, क्योंकि गीता में गीता हमारा हृदय है, गीता मेरा हृदय है ये बताया ठाकुर जी। इसीलिए गीता को बीच में और बाद में ज्ञान का बड़ा उत्कृष्ट विचार करके भक्ति का ही परिपुष्टि विधान का प्रकाश है उसमें। अगर ये नहीं है तो क्यों गीता का चरम उपदेश जो है सर्वधर्मान करते जो ये हो ही नहीं सकता। फिर अगर ज्ञान कर्मों आदि योग आदि सारे को प्रायोरिटी प्राधान्य दिए देने का प्रयास है ठाकुर जी का, तो अंतिम में ये श्लोक बोलने का तो दरकार नहीं। चरम उपदेश मतलब भक्ति का रास्ते में जीवों को लाने का प्रयास। सर्वधर्मानं प्रत्यज्य मामेकं शरणं भज, अहम तम सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मास्तु। ये अंतिम उपदेश का सीक्रेसी ये है। इसी में भक्ति जगत का जो जितना सारे गोपन रहस्य है, यहां तक कि ये श्लोक का फाइनल एंड टॉपमोस्ट अल्टीमेट एप्लीकेशन एंड एक्सीलेंसी यू कैन फाइंड इन श्रीमद भागवत जी महापुराण रास लीला। गोपियों का जो आत्मनिवेदन है ये फाइनल, इसका फायदा हम भी ले सकता है ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल एप्लीकेशन कहाँ है? सर्वधर्मानंद पढ़ते जी इसका जो फाइनल एंड टॉपमोस्ट एप्लीकेशन, टॉपमोस्ट एप्लीकेशन मैं देखना चाहता हूं, वो देखो तो फाइनल अल्टीमेट एक्सीलेंट एप्लीकेशन वहां गोपियों का जीवन जिंदगी में ये प्रकाशित हो पाए। हमारा जिंदगी में हो सकता लेकिन वो फाइनल एकदम टॉपमोस्ट एप्लीकेशन सारासार एप्लीकेशन है। मानव गण जितना सारे आदमी लोग है अपना अपना स्वभाव का अनुसार कर्मों को प्राप्त करते हैं। स्वभाव विहित कर्म से अधिकारे जो निष्ठा ये बताएगा, अपना अपना अधिकार को पर निष्ठा स्थापन करना ही से अधिकारे जो निष्ठा सब गुण परिकृत, इसको गुण बोला जाता है। और इसका विपरीत करना छलांग लगाना इसको दोष माना गया।
शेषे अधिकारी जो निष्ठा सगुण परिकीर्तित विपर्य सुदोष, इसका विपर्यय हो जाए इसको दोष माना जाता है। कभी नहीं, एक गुण नहीं। अभी आदमी का जो अधिकार है ये अधिकार का मुताबिक धीरे धीरे जीवन जिंदगी को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज नहीं तो काल शास्त्र विहित तो कर्मों रेगुलेटेड वे में करते करते जीवन यात्रा करते करते उसको तत्व ज्ञान लाभ करने का पॉसिबिलिटी है ही है, जरूर है। क्योंकि कर्माश्रय नहीं करने से ऐसे तो जीव अपना कर्मों को तो छोड़ने का अधिकार ही नहीं है। कैसे छोड़ोगे? मायावादी लोग हम कर्म छोड़ दिया। अरे कर्म तो, कर्म कैसे छोड़ दिया? तुम खाते पीते हो, सोते हो, भागते हो पैसा के लिए, वो तो कर्म ही है। कर्माश्रय बिना कर्माश्रय जीवन यात्रा सम्मक निर्वाह करना असंभव है। जीवन यात्रा को सम्मक निर्वाह नहीं अगर करने दे तो तत्वज्ञान सुलभ नहीं होते, तत्वज्ञान सुलभ नहीं होते। रेगुलेटेड वे में अपना अधिकार का अनुसार कर्म करते करते और जीवन जिंदगी में जो कुछ भी है वो डिटेस्टेड कड़वा लगता है, मतलब तत्वरसन। तत्वरसन सुलभ नहीं हो पाएगा अगर आप कर्माश्रय बिना कर्माश्रय जीवन जिंदगी को पागलपंथी पे गुजार दिया, खराब कर दिया, पागलपंथी में हो गया सारे। सो ये सिद्धांत तो आ रहा है अभी, तत्त्व ज्ञान लाभ करने का साथ कर्मों और वर्णाश्रम धर्मों का एक फाइन रिलेशनशिप है जो बाहरी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता। तत्त्व ज्ञान लाभ और कर्मों वर्णाश्रम धर्मों सबका एक एक बहुत फाइन एक रिलेशनशिप बना हुआ है, वो बाहरी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता। सुदूरवर्ती संबंध, ये जो संबंध है बाहरी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता, एक फाइन रिलेशन है, बाहरी दृष्टि में नहीं है लेकिन फाइन रिलेशनशिप जरूर है। नहीं तो ठाकुर जी का ऐसा क्या मतलब है ये चतुर्वर्णमया सिस्टम गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारहम उपी विद्धि माम अकर्तरम अव्ययम्। ये तो दरकार ही नहीं। तमाम दुनिया को विशेष करके जो बाहरी दुनिया हो तो कर्म वर्णाश्रम धर्म उसको पालन नहीं करते, उसका लिए तो छोड़ दो, कभी तो वो करेगा किसी जन्म में। भारत भूमि कर्म भूमि है, बाकी दुनिया नहीं है। भारत भूमि कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। सो जहां तक जीवों का मुक्ति होने का सवाल है, ये जो फाइन रिलेशनशिप व्यवस्था दिखाया गया ठाकुर जी के द्वारा, ये व्यवस्था बहुत वाइटल है, इनेविटेबल अवश्य प्रयन है। जब तक जीवों का बंधन का मुक्ति का रास्ता नहीं खुलते हैं तब तक ये संबंध जो है बहुत फाइन संबंध है, दूरवर्ती दूरवर्ती रिलेशन अपरिहार्य अर्थात जरूरी है, ये इनकार कोई नहीं कर सकता। अर्जुनों का जो स्वभाव, इसमें युद्धरूप क्षत्रिय धर्म ही कर्तव्य कर्म अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए अभी ये जो जन्म है अर्जुन का जो इच्छा करके ठाकुर जी ने दिखाया, अर्जुन कोई वर्णाश्रम धर्म का अंतर्गत तो कोई बद्ध जीव नहीं है, तो अर्जुन को क्षत्रियो क्यों बोला गया? हमारा अर्जुन को क्षत्रियो नहीं, ऐसे तो इसी जन्म में इच्छा करके ठाकुर जी ये लीला में, कभी कभी ठाकुर जी ब्राह्मण लीला करते हैं, कभी कभी क्षत्रियो लीला करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा। भक्तों को भी जैसे हरिदास ठाकुर को जवन कुल में आविर्भाव कराया, ये साबित करने के लिए आत्मधर्म के लिए, फॉर आत्मधर्मो आत्मधर्म के लिए, ये किसी
किस खानदान में पैदा हुआ, कितना लिखा पढ़ा है, कितना पैसा है, देखने में कितना अच्छा है, ये सब दोज आर द ऑल लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कोई जरूरी है नहीं सब। आत्मधर्म में आत्मा का स्वास्थ्य जो है हेल्थ, आत्मधर्म में आत्मा का जो स्वास्थ्य है हेल्थ, इसी का बारे में चर्चा होनी चाहिए। वह बाहरी दृष्टि में कि कितना मोटा है, लंबा है, गोड़ा है कि काला है, किस खानदान में, ये सब हमारा जरूरी विषय नहीं है। यही आत्मधर्मों भागवत धर्मों का ये विशेष है। अर्जुन का अभी का जो स्थिति है, अर्जुन क्षत्रिय कुल में आविर्भाव होने का लीला की नित्य अवस्थिति है, अर्जुन भगवान का दोस्त है, अर्जुन का अंदर में जो स्वभाव है, इस स्वभाव का मुताबिक अभी युद्ध रूप क्षत्रिय धर्म अवश्य कर्तव्य कर्म है। इसको अगर इनकार कर दे तो सारे अव्यवस्था फैलेगा, मिसमैनेजमेंट, ब्रेकडाउन, एवरीथिंग ऑफ। इसीलिए अर्जुन गीता श्रवण करने का बाद युद्ध करने का फैसला कर लिया, ये करना चाहिए था, कर लिया, पहले ही करना चाहिए था, और तमाम युक्ति को खड़ा कर दिए, अरे इसको मारे कैसे, अपना आदमी है, पाप होगा, इससे तो अच्छा भिक्षा करना, बड़ा बड़ा भाषण दे दिया। ठाकुर जी बोला, देखो तुमने जो बातें करते रहते हो, लगता है कि तुम पंडित, तुम्हारा भाषण के द्वारा ये प्रतिपादन करना चाहते हो कि तुम पंडित हो, असलियत में तुम मूर्ख हो। इसलिए एक जोर से फटका लगे, क्लैव्यम मस्मा गमः पार्थ, क्लैव्यम मस्मा गमः पार्थ, नहीं नहीं तो तई उपबद्धते, तुम्हारा लिए शोभा नहीं देता, क्लिप हो गया तुम। क्लिप क्यों बोला, कल ये बताया, क्लिप मतलब ना मर्दाना है ना जनानी है, जनाना मर्दाना, अगर मर्द हो तो तुम युद्ध करके दिखाओ, दो दस को खत्म करो, युद्ध क्षेत्र में आप पहुंचे हो, युद्ध शुरू होने वाला है, अब तुम्हें लेडी, अब लेडीज का मापी में नहीं है, हिजरा का मापी बात करते हो तुम, अगर मर्द हो, वीर हो, तो दो दस का एकदम मारो, खत्म करो युद्ध क्षेत्रों में, ये तो धर्म युद्ध है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ना घर का ना घट का। अरे तुम अगर जनानी होती तो दो दस बच्चा का, वीर बच्चा का पैदा भी कर सकती, ये भी नहीं तो तू कोनो काम का नहीं, ना घर का ना घट का। तो अर्जुन का ये तो पक्का है, अर्जुन का जो स्वभाव है, इसी का मभावी गुण कर्म विभाग सा, ये बताया ठाकुर जी, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, चतुर्वर्ण हमने ही सृष्टि किया समाज को व्यवस्थित करने के लिए, गुण कर्म विभाग सा, इसका अर्जुन के अंदर में जो स्वभाव है, इसमें क्षत्रिय धर्म ही पक्का है, क्षत्रिय धर्म ठीक है, क्षत्रिय धर्म कर्तव्य कर्म। सो अर्जुन ले क्या किए, पूरा तमाम गीता को गुप्ता का उपदेश सुनने के बाद ये निश्चय कर लिया कि युद्ध हम करेंगे, करिष्य वचनम तब। ब्रह्म स्वभाव संपन्न व्यक्ति, अगर किसी का अंदर में ब्रह्म स्वभाव है, वो गीता श्रवण करने का बाद वो प्रवज्जाय ग्रहण कर लेंगे। ब्रह्म स्वभाव अगर है तो पक्का ब्रह्म स्वभाव, नकली नहीं, ब्रह्म स्वभाव है तो गीता को उपदेश श्रवण करने के बाद वो तो निश्चय कर ले कि प्रवज्जा अंगीकार कर ले। अगर पक्का श्रवण हुआ, डिटैचमेंट पैदा हो जाएगा, हमने ये भी बताया ना, एक पक्का साधु का सामने बैठकर गीता का एक भागवत जी महाकरण एक श्लोक, भागवत भी नहीं है, भागवत का महिमा का श्रवण करने के बाद वैराग्य पैदा हो गया, बोला हमारा हो गया, अबे हो गया,
पूरा समाज संसार छोड़कर वो साधु बन गया। असार संसार खुलू दुख रूप विमोह कहा सुतः कस्व धनम कस्व स्नेहवान जलते अनिशम। बस एक शब्द सुनने के बाद उसका दिल में वैराग्य पैदा हो गया और तमाम शास्त्र सुनने के बाद भी विषय में उलझे हुए हैं क्योंकि सुनता ही नहीं। ये तो नाटक करता है, सुनने का नाटक करता है। पक्का सुनने वालों के लिए मेरा गुरुजी का सौगंध लेके बोलता हूं, पक्का गुरुजी का सौगंध लेके पोपात का सौगंध लेके अगर पक्का सुने तो ये तो नाटकबाजी में लगे हुए। पक्का सुबन करे तो फल तो जरूर मिले। किसी का अगर ब्रह्म स्वभाव है तो गीता का प्रवचन वास्तव सुने, जैसे अद्वैत गोसाई जी के सामने सुनकर विश्वरूप महाप्रभु जी का बड़ा भाई तुरंत वैराग्य को पैदा हो गया और संसार बंधन छोड़कर चले गए। तो है तो विश्वरूप नित्यानंद अनंत देव, विश्वरूप ही नित्यानंद का अंश है। ये नित्यानंद दूसरा स्वरूप है, अनंत देवी है। सो ब्रह्म स्वभाव संपन्न व्यक्ति गीता पाठ करके इसका फाइनल सिद्धांत तो होगी प्रवज्जाय ग्रहण करना। अतः गीता का गुढ़ तात्पर्य, गंभीर तात्पर्य, इसका जो अंदर का जो गहरा विचार है जो व्यक्ति का जो स्वभाव है जो अधिकार है गीता का उपदेश है उसी मुताबिक चलना, लेकिन फाइनली भक्ति को प्राप्त करना। अधिकार का मुताबिक जीवन यात्रा करते करते कर्मों को स्वीकार करते करते अभी जो अधिकार है उसी का मुताबिक कर्मों को स्वीकार करो और परतत्व का अनुसंधान में परतत्व का अनुसंधान में लगे रहो, इसी में तुम्हारा भलाई है। अधिकार को फेंक कर अधिकार को तोड़ मोड़ के अगर छलांग लगाने का प्रयत्न करो तो बद्ध जीवों के लिए तत्व ज्ञान लाभ करने का संभावना नहीं है। परम वैष्णव अर्जुन क्या ब्रह्म स्वभाव संपन्न नहीं है क्या? तो आपने बोला ठाकुर जी का पार्षद है, पार्षद मतलब तो ब्रह्म स्वभाव ही है। इसका उत्तर है अर्जुन ब्रह्म स्वभाव संपन्न युक्तात्मा, फिर भी लीला करने के लिए ये प्रपंच में अवतीर्ण करने के लिए प्रपंच में आने के लिए प्रपंच अवतरण काल में इच्छा करके लीला पुष्टि करने के लिए खत्र स्वभाव को स्वीकार किया अर्जुन, ताकि ठाकुर जी को एक सुयोग मिले कि गीता का प्रवचन करना, ये समझना जरूरी है। तमाम दुनिया का तर्क को फेंक कर अगर सरल बुद्धि लगाकर आलोचना करने जाओ जीवों का जो बद्ध दशा है वो रियली पेनफुल है। सरल दशा हमने क्या बोला, जारे जितना सारा कॉम्प्लिकेसी है, जटिल बुद्धि, जटिला का जटिल बुद्धि है, इसीलिए इसका नाम जटिला रखा गया, जटिल बुद्धि। सरल बुद्धि को लगाकर अगर विचार करे, जो भागवत जी का महापुराण में बताया गया सब कोई के लिए अगर सरल बुद्धि है तो भगवान का भगवत भजन करने का उपदेश है, और जटिल बुद्धि है तो नहीं। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। ये उदारधि, उदारधि मतलब उसका धी शक्ति जो है वो किसी बंधन में नहीं है, कोई छोटा मोटा इनो बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं है। उदारधि मतलब उसका कोई कोई
जटिल बुद्धि नहीं है, खुला बुद्धि है, वैसे सरलता है, सरल बुद्धि। यही बात को सापा किया गया, अकाम सर्व काम वा मोक्ष कमा उदारुधि। ये उदारुधि जिसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जिसका अंदर में जटिल बुद्धि नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, ना डुप्लिसिटी नहीं है, ये सरल बुद्धि वाले के लिए ये ठाकुर जी विचार किया। ये जड़ बंधन जो है बड़ा नुकसानदायक है, शोचनीय अवस्था, पेनफुल सिचुएशन। ये सब जीवों के लिए कुछ विशुद्ध अवस्था प्राप्ति करने के लिए कुछ ऐसा सरल कुछ उपाय होनी चाहिए। जो आदमी का अंदर में मंगल प्राप्ति करने का कोई इच्छा ही नहीं है, चाहे वो आचार्य को भूमिका में क्यों ना हो, इसका अंदर में कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि हमारा मंगल हो जाए, वो चाहता है पॉलिटिक्स, सबको के पॉलिटिक्स में फंसाना, खुद को भजन मतलब पॉलिटिक्स, सारे तमाम पॉलिटिक्स के द्वारा ही विचार करते रहते, तमाम वैभव आदि जो मटमेंट सब उसका जड़ वैभव। और खुद ही विचार करके बताते हैं, मेरा जड़ वैभव का विस्तार हुआ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पूरा खत्म। अब तुम अगर ये तो चुनौती मैंने दिया, पहले क्यों ना माना, मानने के लिए इनकार कर दिया, पागल है, हमको पागल बोला, ठीक है हम पागल, मतलब पागल है ये तो, पागल है जो बोलता है बोलने दो, ये सब पागल छागल है, ठीक है पागल छागल ही रह जाएंगे हम, अगर ठाकुर जी का कृपा हमको मिले, पागल छगल बन के ही अगर कृपा मिले, हमको आचार्य जो नहीं होनी चाहिए, हम पागल छगल है ठाकुर जी, हम गुरु जी अक्सर बोलते थे, दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन पंडितेर बड़ो अभिमान। गुरु जी बोलते थे, हंसते थे हमको, बोले देखो बेटा कुलीन पंडित जो है बड़े बड़े बड़ बड़े पद को प्राप्त किए हैं, पोजिशन रैंक, कुलीन पंडितेर बड़ो अभिमान, ये लोगों का बड़ा अभिमान पैदा होता है, कुलीन पंडितेर बड़ो अभिमान, आ दिनेरे अधिक दया करें भगवान, जो अपने को हीन दीन मानता है, कुछ भी नहीं है, हमारा क्या कीमत है, हमारा कोई कीमत है, कुछ नहीं है, इन्फिनिटी ब्रह्मांड का रेस्पेक्ट विचार करने जाओ तो क्या एग्जिस्टेंस है, हमारा एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना ही इट विल बी ए लाफिंग स्ट्रोक, हास्यास्पद हो, हंसी का मसला बन जाएगा, हम कौन है, कौन होते हैं, विचार करने वाले, विचार करके बताने वाले, ये तो प्रभुपाद गुरु जी का ही महिमा है। तो ये सरल बुद्धि वाले के लिए जरवंदन अवस्था, सचनीय अवस्था, पेनफुल सिचुएशन, इनके लिए ये तो सरल बुद्धि वाले हैं, इसके लिए कोई मंगल का मंगलमय शुद्ध व्यवस्था, मंगलमय कोई शुद्ध व्यवस्था का शुद्ध व्यवस्था का कोई अरेंजमेंट हो जाए, कोई रास्ता खुल जाए तो अच्छा। ये शुद्ध अवस्था को उपयोग बा प्रयोजन, शुद्ध व्यवस्था उसको अपना के अपना के शुद्ध व्यवस्था को अपना जीवन जिंदगी में अपनाने का बाद जो प्रयास प्रचेष में लगे हैं अंतिम में उपयोग प्रयोजन प्राप्ति करने के लिए, तद द्वारा है ना जो चीज अल्टीमेटली हमको प्राप्त करना है उसको प्रयोजन, और जिसके द्वारा वो प्राप्ति हुए वो उपाय है, उपाय उपयोग, उपयोग माने प्रयोजन, टू बी अटेंडेड। शास्त्रकार गण जितना सा शास्त्रकार है, किसी ने योग को, किसी ने जोग को, किसी ने तर्क को, किसी ने पुण्य को, किसी ने वैराग्य को, किसी ने तपस्या को, क्यों किसी ने धर्म युद्ध को, क्यों क्यों ईश्वर उपासना को, क्यों बा धर्म को, क्यों अलग अलग करके तमाम व्यवस्था को रख दिया गया। जैसे एक उदाहरण मिसाल दे, शिल परीक्षित महाराज जी
पहुंच गए पयपवेशन के लिए सुक्ताल क्षेत्र। तमाम ऋषि मुनियों ने पहुंच गए वहां। परीक्षित महाराज ने अपना प्रश्न लेके बैठे हैं कि क्या इसी मेरा तो थोमा मेरा तो समय थोड़ी बचे हुए हैं, मेरा तो थोमा समय नहीं है, इसी समय के अंदर हमको क्या करना चाहिए। एक एक ऋषि मुनि ने बोला महाराज ये करो, महाराज ये करो, महाराज वो करो, तमाम दुनिया का उपदेश देने लगे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आ पहुंचे, तमाम ऋषि मुनियों का झंडू खड़ा होके उसको स्वागत की, सम्मान की। क्यों? ये भक्ति योग का आचार्य है, भागवत उपदेष्टा है। तमाम सारे वशिष्ठ भरद्वाज इनो जितना सारे है पराशर सब खड़ा हो गया सम्मान। क्यों? है तो 16 साल का लड़का लेकिन इसका कीमत ज्यादा है, क्योंकि आजन्म जन्म से उसका कोई विषय का साथ कोई तालुका है नहीं। विषय का साथ आजन्म वैराग्यो और वैराग्यो वैराग्य विद्या में बदल, वैराग्य तो विद्या है सुखदेव गोस्वामी के अंदर, क्योंकि भक्ति योग है भगवत तत्व विज्ञान। सुखा वैराग्य है तो अज्ञान है। ऐसा विचार करते करते अंतिम में तमाम शास्त्रकारों ने फाइनली एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, आ पहुंचा और बोले एक कॉमन एक ठो कॉमन प्लेटफॉर्म जो है उसमें विचार करके बता। हाँ, चरम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भक्ति सिद्धि को कर्म ज्ञान और भक्ति ये तीनों तत्व नाम दिया गया। तीनों रास्ते पे जाकर अल्टीमेटली भगवान का अनुभूति को पाप कर सकता, कर्म ज्ञान भक्ति। जीवों का जो उत्पत्ति है, जीवों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये विचार करने से इस सतह प्रमाण हो जाते हैं। शतसिद्ध आत्म प्रत्यय विशुद्ध विचार के द्वारा यही सिद्धांत सिद्धांत होता है कि सिद्ध सत्ता जीवों का चिन्मयी, भगवान का जैसे चिन्मय है भगवान, जीवों का आत्मा भी चिन्मय है। तो भी महाराज मातृगर्भ में जन्म लेने वाला जो प्रसंग है ये सिर्फ कर्म फल को भोगने के लिए, मातृगर्भ में उत्पत्ति का जो व्यवस्था है वो सिद्ध सत्ता जो है जीवों का नित्य सिद्ध दशा चन्मय चित कण जो है उसका बद्ध अवस्था मातृगर्भ में, क्योंकि ये अगर नहीं हुआ तो कर्म फल को कौन भोग करे, उसका कर्म फल तो उसको ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव वक्तव्य कृतकर्मम शुभाशुभम अचिंत अवितर्क शक्ति, जिसमें चिंता और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं टिकता। अचिंत अवितर्क शक्ति भगवान का इच्छा का अनुसार इनो ये बद्ध जीवों का अपना अपना कर्मफल का अनुसार जो भगवान का इनडायरेक्ट इच्छा है ही, भगवान का इच्छा नहीं होने से कुछ नहीं होता, वो अपना कर्म फल को भोग करे, भगवान कोई कसूर नहीं, भगवान का कोई कसूर नहीं, वो तो अपना कर्म फल भोग करे। उसको जन्म लेने का जो प्रसंग है इसमें भी भगवान का अप्रूवल जरूर है। तमाम दुनिया का जो जी कर्म होता है सब में भगवान का अप्रूवल के बिना क्या है। यहाँ तक कि दुर्योधन ने इतना हरकतें की, बदमाशी की और अपना संस्कार के अनुसार, भगवान ने नहीं बोला तू बदमाशी कर, वो अपना संस्कार अपना कर दिया, कली का अंश में जन्म है, फिर भी दुर्योधन ने अपना शिकारोक्ति किए, शिकार किए, अपना जंघा को तोड़ मोड़ कर युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ दुर्योधन ने शिकार की। जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति,
जनामि अधर्मम नौच में निवृत्ति तया ऋषि केश हृदय स्थित न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा अपना कर्मफल के अनुसार तुम माया का प्रभाव से तुम कर रहे हो, फिर भी माया कहां से है? वो तो से इनडायरेक्टली भगवान ही है, माया परिचालित करते, डायरेक्टली भगवान का कोई नहीं है। फिर भी से जीवों का बद्ध दशा के लिए भगवान को किसी भी हालत से दोष नहीं दिया जा सकता। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुझंती अंतमा, अज्ञान के द्वारा उसका ज्ञान ज्ञान पूरा लुप्त दशा में पहुंच गया, हम क्या करें? न आदत्त कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम, हम कोई जीवों का पाप और पुण्य दोनों में एक भी लेने के लिए तैयार नहीं, क्या करें हम लेंगे? ये तो जीव अपना कर्मफल भोगे। न आदत्त कस्यचित पाप कदापि, न आदत्त कस्यचित न चैव सुकृतिम विभुम, उसका सुकृति उसका साथ है, भला किया अच्छा किया कुछ भी किया है खराब किया उसका पास है, हमारा कोई जुमा नहीं, हम क्या करें? नादत्त कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति, अज्ञान के द्वारा अपृत है उसका ज्ञान, सतसिद्ध ज्ञान ये व्यवस्था हो, इसीलिए हो। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का जो सेग्रीगेशन किया गया, तीनों में एक पकड़ कर सही रास्ता पे चलो, अंतिम में ठाकुर जी के चरण में भक्ति मिलेगी, मुक्ति। कर्म और ज्ञान प्रेम भक्ति का उपाय विशेष। और शरीर रहते हुए कर्म तो अवधार जो है जरूर करनी चाहिए, शरीर है कर्म को छोड़ दे कैसे हो सकता, ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। शरीर यात्रा को निर्वाह करने के लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन ये याद रखनी चाहिए कि जो सकल कर्म जगत का अमंगलजनक वो सब कर्म विकर्म है व कुकर्म है, और मंगलजनक कर्म जो है वेदों में प्रेस्क्रिप्शन है उसको ना करना अकर्म है, और जे सकल कर्म जगत का हित के लिए किया जा सकता, सकल कर्म जगत हित के लिए मंगलजनक वो सबको वेद विहित कर्म अर्थात कर्म बोला जाता। कर्म चारी पुकार होता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक, कोई भी कर्म है उसका एक फल तो अवश्य है, कोई कर्म करो उसका फल नहीं मिले कोई नहीं सकता। कर्म चार प्रकार में डिवीजन किया गया, शारीरिक कर्म मानसिक कर्म सामाजिक कर्म आध्यात्मिक कर्म। कर्म मात्र कोई भी कर्म करो उसका अवांतर एक फल मिले, आहार करने से शरीर पोषण हो, विवाह करने से फाइनल रीजन क्या संतान उत्पादन है ना, ये होनी चाहिए। ऐसे करके आहार विहार व्यायाम निद्रा शौच कुछ भी करो, शरीर पालन धर्मो यज्ञ व्रतो अष्टांग योग प्रभृति है ना, अनेक प्रकार का सामाजिक शारीरिक मानसिक कर्मों उपदिष्ट हो गया, अष्टांग योग जम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि शारीरिक योग, शारीरिक योग प्रत्याहार ध्यान धारणा मानसिक योग समाधि आध्यात्मिक योग, ये समुदाय जो हो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ये कर्म वेद मन ये जो योग कुछ भी है नाना तरह तरह का व्यवस्था दिया गया, लेकिन अंतिम में
शुद्ध भक्ति का बारे में ही बताया गया। शुद्ध भक्ति छोड़ के और कुछ नहीं है इस बीच में, ये निर्णय लेना। बद्ध जीव बद्ध जीव बद्ध दशा में है तो सही, बद्ध जीव अभी बद्ध दशा में तो है तो सही, लेकिन जीवों का स्वरूप के बारे में पता चले तो स्वरूप तो चिन्मय तत्व है। बद्ध जीव अभी बद्ध दशा में बद्ध तो है तो सही, लेकिन उसका सर्व तत्व का विचार करे करने जाए तो ये तो चित तत्व है। वो चित तत्व होने का कारण कोई भी कर्म करे बाहरी दृष्टि में उसको शांति नहीं मिलती है। क्यों, कैसे मिलेगा? वो तो चित तत्व है, चिन्मय तत्व। चिन्मय तत्व को, चिन्मय तत्व अगर है जो जड़ो तत्व में, उसको कैसे आनंद मिलेगा? तो वो तो व्यस्त है, बद्ध अवस्था में व्यस्त है, उठपटांग कर्म में व्यस्त है हर वक्त। क्यों? वो तो जड़बद्ध अवस्था में है तो चिन्मय तत्व, इसलिए उसका अंदर में बेचैनी, टेंशन बेचैनी बने रहता है हर वक्त, कोई शांति नहीं मिलती है। अगर जीव 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 तत्व जो है, जीव सर्वदा का चिन्मय तत्व है, इसका लिए चिद आलोचना ज्ञान आलोचना स्वाभाविक है, विचार करके देखना। अगर जीव तत्व, अगर जीव तत्व वास्तविक रूप में चिन्मय है, जीव तत्व चिन्मय तत्व है, तो इसका शांति का रास्ता है चिन्मय ज्ञान का आलोचना करना, यह स्वाभाविक है। अभी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, दूसरा आश्रम भटक गए। ये चिन्मय तत्व को समझने के लिए ज्ञानालोचना वास्तविक जो तात्विक आलोचना चाहिए। जीवोस्व तत्व जिज्ञासा, दिवोस्व जीवोस्व ब्रह्म जिज्ञासा, ये आज आप सोच लो कि जो जीवोस्व तत्व जिज्ञासा, जीवोस्व ब्रह्म जिज्ञासा, इसका कारण क्या है? जब सिंह संसार में रहते हुए जीवों का एक्सपीरियंस यहां तक पहुंच जाते हैं, अंतिम में वो फासला ले दे, कुछ भी नहीं रखा, नथिंग देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है, पूरा संसार तमाम समाज संसार को कड़वा लग गया, ये होनी चाहिए। इसका मतलब है वो अभी उसका रास्ता खुलने वाला है। जब तक जीवों का जिंदगी में तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का अवस्था नहीं पहुंचा, नहीं आ पहुंचा, तब तक इसका अवस्था बहुत बुरा। अगर ब्रह्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा आया, जैसे परीक्षित महाराज को आया, अर्जुन को आया, क्वेश्चन आ रहा है अभी क्या करे नहीं करे, सनातन गोसाई जी इच्छा करके हमारा महाप्रभु के सामने प्रश्न रख दिए तरह तरह के, आमी कहने मोरे जा रहे तपोत्वाय, यहाँ नहीं जानी कोई से मोर हित आए, ये मैं समझ नहीं पाता हूं क्या क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको। जीवोस्व तत्व जिज्ञासा, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है हमारे से, जीवोस्व तत्व जिज्ञासा ये सबसे बड़ा चीज है। ये अगर आया तो आपका यूं समझ लो कि आपका रास्ता खुलने वाला ही है, ग्रीन सिग्नल, आपका रास्ता खुलने वाला है, कोई चिंता नहीं। जीवों का जो स्वभाव है ये सर्वदाय भगवान सच्चिद आनंदमय, इसका भी स्वभाव तो यही होनी चाहिए, लेकिन आनंद जो है, ये जो है ये सर्वशक्ति का वास्तव आनंद, भगवान का अंतरंगा शक्ति सर्वशक्ति का वास्तविक डायरेक्ट कृपा के बिना, डायरेक्ट मतलब साधु संतों का माध्यम यही वितरण होता है, एकदम डायरेक्ट ठाकुर जी के साथ तो संभव नहीं है। ये सर्वशक्ति का जो वृत्ति है, ये वितरण करने का यही व्यवस्था है, तत्शक्ति तत्प्रकाश, तत्शक्ति तत्प्रकाश, ये सब माध्यम ठाकुर जी अपना जो कृपा
वितरण करने का व्यवस्था रखा, वितरण करके यही व्यवस्था रखा। ज्ञान जब प्रेम भक्ति प्राप्ति करने का लक्ष्य पर दौड़ते हैं, अंतिम ज्ञान जब प्रेम को लक्ष्य बनाकर ठाकुर जी का प्रेम आगे बढ़ते हैं, इसको आप ज्ञान मिश्रा भक्ति। ज्ञान जब एकदम ओवरफ्लो हो जाता है, ज्ञान जब प्रेम प्राचुर्यो, ज्ञान जब प्रेम का सहारा लेकर एकदम उछल पड़ते हैं, अपना बीजा विचार अपना लॉजिकल जो इंटरप्रेट एकदम स्टॉप बना देते हैं, तब ये भक्ति का नामांतर है। ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए तो इसमें कोई तर्क बोल के कोई चीज नहीं बचता है। इसी समय ये जो केवला भक्ति का रूप में प्रकाशित हो जाता है। जीवों का सत्ता नित्य है, जीवों का सत्ता तो नित्य है, जीवों का सत्ता नित्य है, ये पकड़कर आगे बढ़ना है। जीवों का स्वरूप का अगर एनालिटिकल विचार करे, इसमें प्रेम सेवा ही इसका लिए सहज धर्म है। काल हम बताएंगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भक्ति क्या चीज है। जीवों का स्वरूप का विचार करो तो इसमें प्रेम सेवा ही उसका सहज स्वाभाविक धर्म है। इस बद्ध अवस्था में भी वो डोरमेंट स्टेट में है, अभी प्रकाशित नहीं, छुपा हुआ है, उसका संग ही है। इसलिए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यो दास, बहुत विचार वाला चीज है। बहिर्मुख कर्म का जो इन्फ्लुएंस है, माया का इन्फ्लुएंस, इसी के द्वारा ये भाव प्रकाशित नहीं है, छुपा हुआ है। लेकिन जब सत्संग हो जाए, सत्संग के द्वारा जीवों का बहिर्मुख वृत्ति जो है असस्खय प्राप्त होते होते जीवा का जो सेवा का वृत्ति है प्रकाशित हो जाए। कृष्ण भक्तिर जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का प्रारंभ हो जाए, कृष्ण भक्तिर जन्म मूल है साधु संग। सत्संग के द्वारा बद्ध जीवों में बहिर्मुख जो भाव है धीरे 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 क्षय प्राप्त होके उस जीवों के अंदर में सेवा वृत्ति का उन्मेष दिखाई पड़ता है। इस समय कर्म मिश्रा साधन भक्ति हो जाता है, सेवा वृत्ति प्रचुर बलवती पावरफुल होने के साथ फाइनली वो केवला भक्ति में ट्रांसफर परिवर्तित हो जाते बाय फाइनली। लेकिन इस बीच में एक पक्का रिजोल्यूशन होनी चाहिए, असत्संगस्तु न कर्तव्य, असत्संग कभी भी कदापि होनी नहीं चाहिए। जस्मात सर्वार्थ हानि अधपातश्च जायते, असत्संग से न कर्तव्य कदाचन, यस्मात सर्वार्थ हानि अधपात से जाए थे, इसमें अधपात पतती अध नीचे 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 गिरते गिरते। प्रभुपाद जी यहां तक बताए, अगर शास्त्रों का परमार्थ आलोचना करने जाओ कि मेटेरियल आदमी कैसा कैसे समझेगा मेटेरियल, ये तो सन्यासी बेस में आचार्य जी का बेस हो सके। प्रभुपाद जी ने बताए, अगर बिना समझे किसी का साथ पारमार्थिक विषय में लेना देना कर लो, विचार करने बैठो, ये प्रचार करने कुछ भी करो, उसमें तुम्हारा घाटा है, तुम्हारा जो वर्तमान स्थिति है उससे बहुत नीचे चले जाओगे।
प्रभुपाद जी कहते हैं पारमार्थिक संबंध जो है ये विचार आदि किसी बद्ध जीवों का साथ करके करने से या तो सन्यास वेश में है आचार्य किसी भी वेश में है अनजाने में कर दिया तो तुम्हारा घाटा है, तुमको नीचे जाना है, नीचे तुम्हारा व्यवस्था भी नीचे है, नीचे चले जाओ। ऐसा करते करते विचार बनाते बनाते ऊपर उठो, जैसे कि कोई असत्संग ना होए, केवल सत्संग हो जाए, केवल सत्संग हो। ऐसा सत्संग करते करते गीता का जो अंतिम उपदेश है ये समझ में आ जाए, कोई कठिन नहीं। अगर सिंसियरिटी है अंदर में, कोई डुप्लीसिटी नहीं है, तो कौन सी बड़ा बात है। गुरु वैष्णव संघ में है किस लिए है, ये बेकार है क्या। साधु संघ कई बेकार नहीं याद, हम बता दिया पहला दिन असत्संगस्तु अमोघो अमोघो, असत्संग अवधारित है, कभी भी फजूल नहीं, बेकार नहीं जा सकता, ये बिल्कुल पक्का है कि कभी सत्संग कोई बेकार नहीं जा सकता है। भक्ति को दो पार्ट में भाग किया गया, केवला भक्ति प्रधानेगुदा भक्ति, केवला भक्ति स्वतंत्रो कर्म ज्ञान गंध शून्य, हम बाद में काल चर्चा करेंगे इस विषय में। उसके बाद धीरे धीरे गीता का ऐसो ध्यान जमा के बैठे, गीता का जो 18 अध्याय है प्रथम 6 अध्याय में कर्मों कर्मार्पण आदि कैसे भगवान का ओढ़ बढ़ के जा रहा है, दूसरा 6 अध्याय में भक्ति योग का बारे में ग्रेडेशन सब कुछ, तीसरा जो छठा अध्याय है इसमें ज्ञान का भक्ति पर आलोचना पृथक पृथक विचार करते हुए चरम अल्टीमेटली फाइनली भक्ति को ही माना गया, भक्ति इज फाइनल। किसी भी रास्ते पे चलो, ज्ञान कर्म ध्यान जो ज्ञान जो किसी भी रास्ता में, बिना भक्ति किसी को फल नहीं मिलना, फल किसी को नहीं मिलना है, फल किसी को नहीं मिलेगा, भक्ति बिना दीते नड़े फल, बिना भक्ति ये सब कभी फल नहीं दे सकता है। अर्थात भक्ति स्वयं स्वतंत्र स्वतंत्र, भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, लेकिन भक्ति के ऊपर सारे डिपेंडेंट है, ज्ञान कर्म आदि जितना सारे आदि, कोई भी किसी में कुछ भी सिद्धि आपको चाहिए हो तो, किसी भी अगर भक्ति आपको चाहिए तो ये पक्का कर लो कि भक्ति देवी का महिमा है, भक्ति देवी का, बिना भक्ति देवी फल नहीं मिलने वाला, बिना भक्ति देवी कौन फल दे, भक्ति परम स्वतंत्र। और ठाकुर जी का चरण में भक्ति करना ही अंतिम उपदेश है, और गीता का भी ये फाइनल उपदेश यही है, जो फाइनली यही बताया भागवत जी महाप्रभु ने लिखा है, लुखा यथा तरण मुन लिसे चनेन तिप्पन्ती तत्स्कंद भुजो उपशाखा प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हणम उच्चति अच्युतेज्या, यही फाइनल उपदेश है। यथा तरण मुन लिसे चनेन तिप्पन्ती तत्स्कंद भुजो उपशाखा प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हणम उच्चुतेज्या, गीता में फाइनल उपदेश सर्वधर्मनां परित्यज्यो, इसी का एक खुलासा किया गया भक्तों के द्वारा, नारद जी महाराज कह रहे और पक्का है, भक्तों कहे तो और पक्का,
यथा तरण मूल निषेचन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च जतेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अरणन अरहननम अच्युतेज्य वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु व्यवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः। काल चर्चा होगी।